को मऊरानीपुर में रानी लक्ष्मीबाई जन्मोत्सव सप्ताह के आखिरी दिन मेला मैदान से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख चौराहे से होते हुए वापस मेला मैदान पर ही समाप्त हुई। शोभा यात्रा में विशेष रूप से नारी शक्ति पर बल दिया गया, साथ ही झांसी की रानी के स्वरूप सहित अन्य वीरांगनाओं की झांकी सजाई गई थी। इस शोभा यात्रा में नगर व क्षेत्र के लगभग सभी स्कूलों की तरफ से झांकी निकाली गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप को दर्शाया गया। जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए रास्ते में जलपान की व्यवस्था भी की गई। भीड़ को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रही। इस दौरान उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव सहित नगर के समस्त पत्रकार व व्यापारीगण तथा समस्त विद्यालय के छात्र छात्राएं व शिक्षक आदि लोग मौजूद रहे। इंडियन टाइम न्यूज के लिए मऊरानीपुर से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई जी का कार्यक्रम किया गया है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? आजादी की प्रथम दृश्य का वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती, जो जागरण दैनिक जागरण अमर उजाला की विशेष पहल पर पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जो मनाई जा रही है, उसी के तहत मऊरानीपुर में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती दीपांजलि और पुष्पांजलि कार्यक्रम, 7 दिवसीय महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है। पूरे क्षेत्रवासियों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई है और आज उसका अंतिम दिन है। आज शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी नगरवासियों ने हिस्सा लिया और निश्चित तौर पर वीरांगना झलकारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती एक ऐतिहासिक जयंती मनाई गई है। हमारा पूरा सबका प्रयास होगा कि इसको आगे चल के हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोग प्रयास करें कि सरकारी तौर पर इसको मान्यता मिलना चाहिए, क्योंकि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उनके साहस शौर्य और वीरता से पूरे बुंदेलखंड वासियों का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। आज़ादी की प्रथम लड़ाई में वीरांगना ने अपने परवाह न करते हुए अपने देश के खातिर अपने प्राणों को बलिदान किया है। आज पूरा देश उनका ऋणी है और निश्चित तौर पर जो जयंती मनाई जा रही है, बहुत अच्छी पहल है। इससे निश्चित तौर पर हमारी महारानी लक्ष्मीबाई के जो आदर्श उनके कार्य थे, उनसे निश्चित तौर पर हम सब देशवासियों को एक प्रेरणा मिलेगी और हमारे युवाओं और बच्चों को नया एक प्रोत्साहन मिलेगा। बड़ा उत्साह हमको देखने को मिल रहा है और सब वर्ग के लोग, हर वर्ग, चाहे व्यापारी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे वकील हों, मतलब हर वर्ग के लोग एक साथ वीरांगना झलकारी बाई का जयंती बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। धन्यवाद। नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज से हैं और 9th B में। आज आपको एक कार्यक्रम मिला है, आपको कैसा लगा? बहुत प्रसन्नता हो रही है इस कार्यक्रम में भाग लेकर, और सभी नारियों को रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम हर मुसीबत का डट कर सामना कर सकते हैं। ये जिन जिन लोगों ने कार्यक्रम करवाया है, उन सभी को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, और इस कार्यक्रम में जितने भी बच्चे आए हैं, सभी आए हैं, उन सभी को शुभकामना देना चाहूँगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, थैंक्स टू जो मुझे यहाँ पर मौका मिला झलकारी बाई का रूप करने के लिए। धन्यवाद।